सो हे व्यूअर्स, कैसे आप स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। तो अभी सुबह के समथिंग 2:45 हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा अभी गुड मॉर्निंग बोलूँ या क्या बोलूँ। पर आज शिवरात्रि है तो सबको सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि। और मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठाऊं। तो आज हम जहां जाने वाले हैं वहां भस्म आरती होने वाली है। भस्म आरती मतलब जो शमशान से भस्म लेकर आते हैं उससे शिवजी की आरती करते हैं। तो बस वही देखने के लिए और दिखाने के लिए मैं जल्दी उठाऊं। तो अभी घर पे सब लोग सो रहे हैं तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ जिससे पहले कि मेरी पिटाई हो जाए या फिर कुछ भी हो। बाहर चल के आपसे बात करता हूँ, फटाफट से नहा के, और फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो रेडी हैं हम चलने के लिए। अभी 3:45 हो गया है। बस हीरे आने वाला है हमें लेने, तो हम दोनों साथ ही में जाने वाले हैं। बाहर पूरा अंधेरा हो रहा है, पूरी कॉलोनी में कोई नहीं है हमारे अलावा, और मैं एक सिंगल शर्ट पहन के आया हूँ और अब ठंड लग रही है। सही लग रहा है लेकिन ऐसे उठ के आना। पूरा रोड खाली एकदम। आ गए सतरस्ते पे आ गए। शाम को यहाँ का माहौल देखना अब तो मज़ा आ जाएगा। अभी से दुकानें लगने लगी। देखो यहाँ पर भी मस्त सजा दिया है। और जिस मंदिर में अभी हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती के लिए, उस मंदिर का नाम काले महादेव है, जो कि आपने नर्मदा जयंती वाले ब्लॉग में देखा होगा। ऑफकोर्स यहाँ का माहौल देख के कोई नहीं कह सकता कि अभी 4 बजने, क्योंकि देखो लोग कितने घूम रहे हैं। अभी यहाँ के सिनेमैटिक एंजॉय करो आप विथ म्यूजिक। हाँ, देख के नहीं लगेगा आपको 4 बज रहे हैं। आरती स्टार्ट हुई है अभी। भस्म आरती हो चुकी है, अब श्रृंगार चल रहा है। फिलहाल हम लोग जो है बाहर आ गए हैं। आपने देखा ही होगा कितनी धांसू आरती होती है, तो जादू। बहुत एकदम भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। आरती चल रही है पर हम लोग बाहर आ गए क्योंकि हमको एक टाइम लैप्स भी शूट करना था और नर्मदा जी के दर्शन भी हो जाएंगे। यार सुबह तो घाट अलग ही, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। वैसे हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे शाम को। नर्मदा जयंती का जो वीडियो था वो भी यहीं का था, लेकिन आज तो बिल्कुल अलग ही फीलिंग आ रही है क्योंकि जल्दी उठ के आए हैं। सनराइज़ देखते हैं, सनराइज़ होगा तो फिर उसको कैप्चर करेंगे। खड़ा ही है भाई, 2-2.5 घंटे खड़े रहे हम लोग आरती के लिए, पता नहीं चला टाइम बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना टाइम लैप्स शूट हो रहा है, देवा भाई के कैमरे से हो रहा है। देवा भाई के चैनल को देख लेना। क्या नाम है देवा भाई चैनल का? ISO सेंसेशन को सब्सक्राइब करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा। ये नीचे काले महादेव और ऊपर जो मंदिर बन रहा है वो नागेश्वर मंदिर बन रहा है, जो कि साल में एक ही बार खुलेगा नागपंचमी के टाइम। अभी रात में सो नहीं पाया था, इस चक्कर में हम लोग अभी घर जा रहे हैं, तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे नहीं। शाम को बारात निकलेगी, बहुत शानदार, मैं दिखाऊंगा आपको पूरा। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर, मिलते हैं अपन लोग दोपहर में। सो हे व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से महाशिवरात्रि के ब्लॉग में। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और बस हम लोग घर से निकल ही रहे हैं, क्योंकि फिर शाम में बारात निकलेगी, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो बस हम हीरे के घर चलते हैं। ला 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 ला। गाइस थोड़ा सा लेट हुए हैं, मतलब लेट नहीं हुए, बस पालकी मंदिर से निकल चुकी है। खैर हम भी आ ही गए हैं। मैं आगे नहीं देख सकता, आप लोग भीड़ पे नजर डालो जरा। जय हो प्रभु, जय हो। देखो यार कितनी लंबी है, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। अभी कोई गाड़ी वाड़ी आ नहीं सकती भीड़ में। भीड़ देखो यार, आरती हो रही है अभी। गाइस ये बजा बजा के देखो हाथ का क्या हाल हो गया है। फोन गिफ्ट कर रहा है ना भाई, फोन गिफ्ट कर रहा है हमको, है ना? कर दिया ना गिफ्ट। अरे शिवरात्रि है आज, चाय चाय पिला देते ना। नहीं मेरा गिफ्ट हो गया। अरे नहीं ले रहा है भाई, मजाक कर रहा हूँ। ब्लॉग ब्लॉग आप ब्लॉग में आ रहे हो, सब्सक्राइब करना नानी के फ़ोन से, ठीक है? पक्का। KD केशव ब्लॉग्स, KD केशव ब्लॉग्स, ठीक है? सब्सक्राइब करना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अरे मेरा चैनल कहाँ देखा अभी तुमने? नहीं तो आईडी मेरी मम्मी के फोन से देखता हूँ। अच्छा मम्मी, ये नानी का फोन है, मैं नानी के फोन से। अच्छा फिर सर्च करना, ठीक है? सब्सक्राइब करना KD केशव ब्लॉग्स, भूल मत जाना। लिख के दूँ? आओ दे दो। पेन का है? पेन है, टिश्यू पेपर। ये इससे लिख दे, सॉस लिख दे। सॉस रखा है सिर्फ, एक ही चीज़ है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अरे भाई अरे भैया भाई, रिमेम्बर सब्सक्राइब। प्रमोशन है भैया, भूलना नहीं, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना। भाई ने रख दिया ये उनका कुछ बात। गाइस वापस आ गए मॉल में, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। फाइनली अब घर आ गए। कुछ भी हो पर मज़ा बहुत आया, लगे थोड़ा बहुत लगा, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। और आज के लिए स्पेशल थैंक्स टू आयुष भैया एंड देवा भाई। आप लोगों ने बहुत हेल्प करी ब्लॉग को बेटर बनाने में। और सबको फिर से हैप्पी शिवरात्रि। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें केडी केशव ब्लॉग। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।